तो बात करते हैं एस सी वर्मा के चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, बोल रहा है कि मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन देन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। देखते हैं ये बात सही है कि नहीं। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे आता हूँ, यहाँ पर थोड़ी कमी है स्पेस की। बोला है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कुछ राइट साइड में है इस तरीके से, और बोला है कि उसकी एक्सेलरेशन का साइन वेलोसिटी के साइन के अपोजिट है, यानी कि एक्सेलरेशन कहाँ पर है, इस साइड है। ठीक है, अब साफ सीधी बात है ना यार कि एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो स्पीड जो है उसकी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लेना चाहूँ तो मान लो एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये सड़क है अपनी, ठीक है, यहाँ पर अपना ड्राइवर है। ठीक है, अब ये गाड़ी जो है इस तरीके से जा रही है वी वेलोसिटी से। अब मान लो इस ड्राइवर को गाड़ी को रोकना है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक मारेगा। ब्रेक मारेगा तो क्या होएगा, गाड़ी पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है ना, अपन जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुकती है ना। गाड़ी क्यों रुकती है, क्योंकि पीछे की तरफ हमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये एफ फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स पीछे है तो एक्सेलरेशन भी कहाँ पर होगा, पीछे ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। ठीक है, अगर सिंगल फोर्स है तो ले देखे एक्सेलरेशन नेट फोर्स के अलॉन्ग रहता है, और इस कार्ट पे, इस गाड़ी पे नेट फोर्स पीछे फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन भी पीछे है। तो इस केस में क्या होगा, ब्रेक मारने पे गाड़ी की स्पीड कम हुई, तो बस इस केस से मैच करता है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस पे तो अपन मार दिए टिक। ठीक है, बी की बात करते हैं। इफ़ द पोजिशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, यहीं बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इफ़ द पोजिशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, मान लेते हैं कि कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसकी पोजिशन क्या हुई, पॉजिटिव हुई। ठीक है, पोजिशन का साइन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ पोजिशन, और वेलोसिटी का साइन बोला है कि अपोजिट हो, तो वेलोसिटी पीछे रहेगी तभी अपोजिट रहेगी, मान लीजिए पीछे जा रहा है। ठीक है, तो वी का साइन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, जबकि पोजीशन का साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ये पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एक और केस लेके देख लेते हैं, आप लोगों को अगर तसल्ली नहीं होगी होती, तसल्ली ना हुई हो तो। मान लेते हैं यहाँ पर है, अब इसकी पोजीशन तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और अब क्या बोला है, वेलोसिटी का साइन पोजीशन से अपोजिट होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगेन साफ साफ दिख रहा है कि ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये बिल्कुल सही आया, तो बी इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। यार ये तो बहुत ही इजी है, देखते हैं। सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं अपन। मान लो यार एक सिंपल सा केस देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से ऊपर फेंक दिया, तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके का इसका पाथ होगा। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है ना, ये बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा हूँ मैं, पर डायग्राम में मैं इसको थोड़ा सा दूर दूर दिखा दिया, जो ऊपर जाने वाला पाथ है और नीचे वाले पाथ को मैं थोड़ा दूर दूर दिखा दिया, जबकि एक्चुअल में क्या होगा, ये एक के ऊपर एक होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो यार देखो टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम सबको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वॉट, जीरो। पर क्या एक्सेलरेशन जीरो होता है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है कि
कि हर समय इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगती रहती है रहता है जिसकी वैल्यू क्या होती है एम जी, और इसका एक्सेलरेशन क्या होता है हमेशा नीचे की तरफ जी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो कौन सा केस मिल गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो तो है पर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है। तो ऑप्शन क्या है, इफ़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो भी ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन अभी थोड़ी देर पहले देखे कि वेलोसिटी तो ज़ीरो थी उस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो था, तो ये तो भैया गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द वेलोसिटी इज ज़ीरो फॉर अ टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। ध्यान से पढ़ना, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इफ द वेलोसिटी इज ज़ीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल और इंस्टेंट में फ़र्क पता होना चाहिए हमको, ठीक है। इंस्टेंट मतलब होता है वो छोटा सा क्षण, जबकि टाइम इंटरवल क्या होता है, एक सेकेंड, दो सेकेंड, आधा सेकेंड, एक चौथाई सेकेंड, दस सेकेंड, एक घंटा, बीस घंटा, एक साल। टाइम इंटरवल फाइनाइट होता है, जबकि जो इंस्टेंट होता है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, ठीक है। तो इफ़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो फॉर अ टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, क्या मतलब है इसका। जैसे मान लेते हैं अपन ये टी, कुछ टी इक्वल्स टू टी वन से लेकर टी टू तक मान लेते हैं कि एक पार्टिकल चुपचाप यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 से लेकर T2 एक टाइम इंटरवल हुआ जिसमें इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी इसकी ज़ीरो ही है तो अपन नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर द टाइम इंटरवल T1 से लेकर T2 तक। तो ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई कि एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ध्यान रखना वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा हूँ मैं, वेलोसिटी मोमेंटरी ज़ीरो है ऐसा नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंटली क्या है, ज़ीरो है और कांस्टेंट भी है। अब ज़ीरो भी एक कांस्टेंट ही होता है ना यार, तो वेलोसिटी ज़ीरो भी है और कांस्टेंट भी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया अपना, ज़ीरो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, इफ़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो फॉर अ टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ए बी और